हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एमपीपीईबी एसएडीओ सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर सॉल्व क्वेश्चन पेपर 2021। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। Wild rye or couch Alimus species is a creeping fill in the bank weed. Wild rye कौन से टाइप का creeping weed है? The correct answer is perennial. Perennial weed है. Next question. Which of the following does not belong to Solanaceae? सारे options में से Solanaceae group से कौन सा crop नहीं belong करता? The correct answer is sugar beet. Sugar beet की family है Amaranthaceae. Next question, cultivation of two or more crops simultaneously on the same field without distinct definite row arrangement is known as, without any row, मतलब कोई भी उसमें row to row distance maintain नहीं किया जाता और दो से ज्यादा crop की species को grow किया जाता है same field में, that is called as mixed cropping. Next question, injury caused by high temperature on the side of bark is known as, the correct answer is sun scald. Next question, the combine harvester performs different operations like, combine harvester kaun kaun se functions operate karta hai? The answer is cutting, threshing and cleaning. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटोनिंग इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, बटोनिंग किसके कारण से होता है कॉलीफ्लावर में? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सम फ्रूट्स एमिट फिल इन द बैंक इट कॉजेस अदर फ्रूट्स टू राइपन। द करेक्ट आंसर इज इथाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश इज जनरली, मध्य प्रदेश में कौन सी सॉइल टाइप ज्यादा फाउंड होती है? द आंसर इज ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप इज रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन से एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिएंट की, आयरन एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, One of the important recent tool for better land capability classification is, land capability classification के लिए सारे options में से important कौन सा है? The answer is remote sensing. Remote sensing का use करके land capability classification किया गया है, जो कि हम 8 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, 4 क्लास 1 से क्लास 4 तक के जो है वो इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोम लेंथ ऑफ डिप्लॉयड राइस ओराइजा सटाइवा इज नियरली, ओराइजा सटाइवा की जीनोम लेंथ कितनी होती है? द करेक्ट आंसर इज 0.4 मेगा बेस पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंट्री प्लाउ इज वर्किंग एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड कटिंग सॉइल एट 20 सेंटीमीटर डीप एंड 20 सेंटीमीटर वाइड फरो एट द टॉप, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कट इन 4 आवर्स इज, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि फरो का क्रॉस सेक्शन कितना है। फरो क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी 20 × 20/2, इसका डायमीटर दिया हुआ है इसलिए इसको डिवाइड कर दिया रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए। 20/2 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 आवर, 4 आवर्स में कंट्री प्लाउ ने कितना डिस्टेंस कवर किया करके। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3, 3 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 मीटर। फिर नेक्स्ट वी कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉइल हैंडल्ड, मतलब यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल कट इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में उसने कितने सॉइल काटा कंट्री प्लाउ ने,
तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 24, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अगर उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 240। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा 240 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटमोस्फेरिक हजार्ड। इन सारे ऑप्शन में से एटमोस्फेरिक हजार्ड कौन सा नहीं है, द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल शेयर ऑफ सोयाबीन इन मध्य प्रदेश इज अराउंड, द करेक्ट आंसर इज 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल सेक्शन ऑफ प्लाउ इन्फ्लुएंसेस, वर्टिकल सेक्शन ऑफ प्लाउ किस चीज को डिनोट करता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट को इन्फ्लुएंस करता है आपका वर्टिकल सेक्शन क्या है प्लाउ का। वर्टिकल सेक्शन मीन्स प्लाउ का जो लैंड साइड होता है, लैंड साइड और ग्राउंड के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल सेक्शन। आप जरा एमडी प्लाउ को ऐसा देखना, उसका जो लैंडस्लाइड जो होता है थोड़ा कर्व होता है, मतलब ग्राउंड सरफेस से थोड़ा ऊंचा होता है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस आर, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इज लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन 8 टाइप में डिवाइडेड है, उसमें जो जो क्लास 1 to 4 जो है वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका B, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन ए नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स दैट हेल्प्स यूजर टू रिकॉर्ड पोजिशनल इंफॉर्मेशन इज रेफर्ड एज, तो जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है नेटवर्क सैटेलाइट उसको हम क्या बोलते हैं, GPS, जियोलॉजिकल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेराइटी विच इज डेवलप्ड बाई मिक्सिंग द सीड ऑफ वेरियस जीनोटाइप इन इक्वल क्वान्टिटी which are similar in maturity, height and seed size and color is called as, correct answer is composite variety. composite variety क्या होता है, जब आप various genotype वाले, मतलब जिसका genotype अच्छा होता है, मतलब color में, quality में या height में, size में, अगर कोई superior है वैसे वाले अलग अलग लाइंस के जो सीड होते हैं उसको हम मिक्स करेंगे एंड देन यूज करेंगे हम लोग एज अ वैरायटी, इट इज कॉल्ड अस कंपोजिट वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, द आंसर इज विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्रीन हाउस इज प्लेस्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग इट इज कॉल्ड एज, कोई बिल्डिंग है साइड में उसी से लगा हुआ अगर आप एक ग्रीन हाउस बना रहे हैं तो उसको हम कौन सा टाइप बोलेंगे, लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड द इंडिया इनटू ब्रॉड एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, प्लानिंग कमीशन ने कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया है इंडिया को, द करेक्ट आंसर इज 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज ए वाइबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन इंडिया एग्री बिजनेस बिकॉज नियरली फिल इन द बैंक ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, द करेक्ट आंसर इज 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर सोइंग ऑफ वीट इज, द आंसर इज 20 to 25 degree centigrade। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सोलार कॉन्स्टेंट इज, द आंसर इज 1.95 calorie per centimeter square पर मिनट। सोलार कॉन्स्टेंट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया में पर मिनट में आपका कितना जो है सोलार रेडिएशन अर्थ सरफेस में पहुंच रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलार कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू क्या है, 1.95 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईएस्ट इन टी कल्टीवेशन एंड इट इज नियरली फिल इन द बैंक परसेंट, मतलब टी कल्टीवेशन में पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन जो है वो कितना प्रतिशत है, द करेक्ट आंसर इज 47%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों करते हैं हम जनरली, टू यूज ड्यूरिंग द स्कैसिटी ऑफ वाटर, द
जब हमारे पास वाटर की कमी हो जाए तब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी कलेक्ट करके रूफ टॉप में उसको हम यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनेशन टाइप ऑफ पिजन पी इज, पिजन पी में कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होता है? ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरबतीज इज ए फेमस फिल इन द ब्लैंक वैरायटी ग्रोन इन मध्य प्रदेश। तो शरबतीज जो एक फेमस वैरायटी है, किसकी वैरायटी है जो मध्य प्रदेश में कॉमनली ग्रो होती है? द आंसर इज वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वुड शुगर। वुड शुगर किसको बोलते हैं? जाइलोस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए इज नोन एज, एमआरएनए से डीएनए बनना की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायअमोनियम फॉस्फेट इज ए, डायअमोनियम कौन सा टाइप का फर्टिलाइजर है आपका? कॉम्प्लेक्स टाइप का फर्टिलाइजर। इसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मींस जिसमें एक से ज्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट कंटेंट हो। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? एनपीके। तो इसमें डायमोनियम में क्या होता है आपका? नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 18%, फास्फोरस आपका 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिमोट सेंसिंग द सेंसर्स दैट डिटेक्ट द रिस्पॉन्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ ए कंटिग्यूअस नैरो स्पेक्ट्रल बैंड आर कॉल्ड एज फिल इन द ब्लैंक सेंसर। द करेक्ट आंसर इज हाइपर स्पेक्ट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ सोयाबीन इज 55 to 65 kg per hectare विथ अ स्पेसिंग ऑफ। तो सोयाबीन की स्पेसिंग कितनी होती है जनरली? 30 to 45 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द हाइएस्ट नेट सोन एरिया इरिगेटेड एरिया एंड क्रॉपिंग इंटेंसिटी आर एक्सपीरियंस्ड इन, मतलब कौन से इकोलॉजिकल जोन में आपका हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, इरिगेटेड एरिया और क्रॉप इंटेंसिटी भी वहां की ज्यादा है? तो उसका करेक्ट आंसर है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ आईसीएआर व्हिच इज एम्ड टू एनहांस द रिसाइलेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है निकरा। निकरा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, जो फरवरी 2011 में लॉन्च किया गया था बाय आईसीएआर, और फंडिंग इसकी कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? असेसमेंट करना इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर में, उसकी स्टडी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM इज लोकेटेड एट, द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्टर यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट इज मोस्टली, जो कॉमनली यूज वैक्टर है फॉर द जेनेटिक ब्रीडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो उसका करेक्ट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज है। नेक्स्ट इज, अंडर द रेनफिट कंडीशन ऑफ मध्य प्रदेश फिल इन द ब्लैंक इज ग्रोन सक्सेसफुली विद गुआवा वैरायटी L49 फॉर 3 years। मध्य प्रदेश में गुआवा के साथ जो है इंटरक्रॉप में कौन सी क्रॉप का जनरली कल्टीवेशन किया जाता है? द करेक्ट आंसर इज मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, SRI इज ए कल्टीवेशन मेथड ऑफ सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये मेथड किसका है? राइस का। नेक्स्ट इज द सीड रेट ऑफ MP छरी वैरायटी ऑफ फोडर जवार इज, इस वैरायटी की सीड रेट क्या है? 55 to 60 kg per hectare। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिनाइट इज फिल इन द ब्लैंक टाइप मिनरल, कैलिनाइट कौन सा टाइप का मिनरल है? 1:1 नॉन एक्सपांडिंग टाइप मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बेवार इज यूज्ड फॉर मध्य प्रदेश, बेवार वर्ड का यूज किसको डिनोट करता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एग्रीकल्चर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन,
इंडिया में एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करता है, मेनली किस पर डिपेंड करता है? द आंसर इज रेनफॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रूट पैरासाइट ऑन टोबैको इज. टोबैको का टोटल रूट पैरासाइट कौन सा है? ओरोब्रैंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज फूड बाउल ऑफ इंडिया. फूड बाउल ऑफ इंडिया कौन से स्टेट को बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज पंजाब. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2020 देर आर अ टोटल ऑफ फिल इन द बैंक रेगुलेटेड मार्केट्स कृषि उपज मंडी प्लस सब मंडी इन मध्य प्रदेश. तो टोटल रेगुलेटेड मार्केट अभी प्रेजेंटली 2020 में मध्य प्रदेश में कितना है? 546. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसागरी प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू. सेंसागरी प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या है? सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर. ये किसने फॉर्मुलेट किया? आईसीआर के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया. किससे रिलेटेड है? ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, इकॉर्निया क्रेसिपस इज फिल इन द बैंक टाइप ऑफ वीड. इकॉर्निया क्रेसिपस कौन से टाइप का वीड है? द आंसर इज फ्लोटिंग वीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन राइस द फर्टिलाइजर रिकवरी एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन रेंजेस फ्रॉम. फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी और रिकवरी एफिशिएंसी कितनी होती है राइस की? 40-60%. नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमिक ड्रॉपसी इज कॉज्ड बाय द एडल्ट्रेशन ऑफ एडिबल ऑयल विद द सीड ऑफ द वीड कॉल्ड एज. मतलब एडिबल ऑयल या मस्टर्ड ऑयल में मेनली जो ड्रॉपसी किसके कारण से होता है, कौन से वीड का अगर सीड मिल जाए उसमें, तो आर्जिमोन मैक्सिकाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड कॉमा ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर आर बेसिकली फिल इन द बैंक हजार्ड. कौन से टाइप ऑफ हजार्ड है? फ्लड एंड ड्रॉट. मेट्रोलॉजिकल हजार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम कल्चर इज यूज एज फिल इन द बैंक इन पल्स कल्टिवेशन. पल्स कल्टिवेशन में जो राइजोबियम कल्चर का हम यूज करते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नोड्यूल में, तो वो कौन से टाइप का फर्टिलाइजर है? बायो फर्टिलाइजर. नेक्स्ट इज, सॉइल लेयर दैट इज डिराइव फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स वीदरिंग अंडर स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एंड लीचिंग कंडीशन इज रेफर्ड एज फिल इन द बैंक सॉइल. The correct answer is laterite soil. Next question, synthetic seeds are. Synthetic seeds क्या होते हैं? Somatic embryos. Somatic embryo क्या होता है? कि सिर्फ एक plant tissue होता है जिसमें कि embryo मतलब endosperm नहीं होता, seed coat भी नहीं होता. It is just a ordinary plant tissue. आप बोल सकते हैं somatic embryos को. नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीआरए टेक्निक. इनमें से कौन सा पीआरए टेक्निक नहीं है? पार्टिसिपेटरी रूलर एप्रेशियल टेक्निक नहीं है. तो उसका आंसर होगा आपका माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग जैसी कोई चीज नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टिंग रीस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज इज रिलेटेड टू. मतलब प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना फॉरेस्ट को, ये किसके रिलेटेड आता है? आपका ग्रीन इंडिया मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय. द आंसर इज बैक्टीरियम. ज़ेंथोमोनास स्पीशीज के थ्रू होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बैंक इज यूज एज एन इफेक्टिव बायोपेस्टिसाइड फॉर इट्स फंजीसाइडल हर्बिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज. द करेक्ट आंसर इज क्लोव ऑयल, जिसमें कि फंजीसाइडल हर्बिसाइडल और इंसेक्टिसाइडल तीनों प्रॉपर्टीज होती है. इसको एज अ बायोपेस्टिसाइड भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द बैंक इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया. आंसर इज एम एस स्वामीनाथन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA हैज अप्रूव्ड द इंक्रीज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल मैंडेट रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2021-2022 एंड द हाईएस्ट इंक्रीज इन MSP हैज बीन अनाउंस्ड फॉर. तो जो CCEA है, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उन्होंने
रबी क्रॉप की एमएसपी को सब सारे रबी क्रॉप की एमएसपी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर दिए। तो हाईएस्ट जो इंक्रीज हुआ है वो 300 पर क्विंटल है, ₹300 पर क्विंटल। वो किसके लिए अनाउंस की गई है हाईएस्ट एमएसपी? द करेक्ट आंसर इज लेंटिल। लेंटिल मीन्स मसूर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 11 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स एंड 5 क्रॉप जोन्स इन 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क ग्रीन येलो एंड ऑरेंज कलर्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच इन, द आंसर इज बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, रिमोट सेंसिंग का जो प्रोसेस है वो किस बेसिस पे डिपेंड करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज लैंड होल्डिंग फॉर स्मॉल फार्मर्स इन इंडिया इज, स्मॉल फार्मर्स की लैंड होल्डिंग कितनी होती है? एवरेज 1 to 2 हेक्टेयर। द कॉमन क्रॉप सिक्वेंसेस ऑफ मध्य प्रदेश आर, कौन सा टाइप का क्रॉप सिक्वेंस फॉलो करता है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश स्टेट में सोयाबीन, वीट एंड सोयाबीन या ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलोइंग ऑफ टी लीफ इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, टी लीफ की डेफिशिएंसी, येलोइंग कलर ऑफ टी लीफ किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? द करेक्ट आंसर इज सल्फर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिज्म दैट रिलाइज कंप्लीटली ऑन डेड मैटर, द आंसर इज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। ऑब्लिगेट मीन्स क्या होता है? परमानेंट सैप्रोफाइट, मीन्स ये हमेशा ही सैप्रोफाइट रहेंगे, कभी भी इनका जो कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। ये ऑलवेज डिपेंड करेंगे किस पे? डेड मैटर पे, अपने फूड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगर सॉइल इज फिल इन द ब्लैंक सॉइल, रिगर सॉइल को कौन सा सॉइल बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ अल्कली सॉइल इज, पीएच क्या होती है अल्कली सॉइल की? ग्रेटर देन 8.5। रिगर का मतलब क्या होता है? जिसमें क्ले कंटेंट हो गया या फिर ऑर्गेनिक मैटर जिसमें ज्यादा हो, ऐसे सॉइल का हम क्या बोलते हैं? रिगर सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी इज इंड्यूस्ड थ्रू, पॉलीप्लॉइडी किससे हम बढ़ा सकते हैं, मतलब किसके द्वारा इनहेंस कर सकते हैं? कोल्चिसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, अभी देखा हमने इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसका आंसर होगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम हैज एन एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ, पोटैटो में तो नहीं होता, लेग्यूम फॉर्मेशन ही नहीं होता, राइस में भी नहीं होता, मेज में नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लेंटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हाइब्रिड राइस वेराइटी वॉज डेवलप्ड इन, राइस की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी कहाँ डेवलप की गई थी? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हेड आर कैपिचुलम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एस्टरेसी। एस्टरेसी को कंपोजिटी भी बोलते हैं। किसकी फैमिली है मेनली? सनफ्लावर, सैफ्लावर की फैमिली होती है, उसी में ही हम पढ़ते हैं हेड, कैपिटुलम, इन्फ्लोरेंसेंस टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कीपिंग पेस्ट पॉपुलेशन बिलो इंजूरियस लेवल, पेस्ट पॉपुलेशन को EIL लेवल से कम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टूल कॉमनली यूज फॉर सीड बेड प्रिपरेशन, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए कौन सा टूल का यूज करते हैं? स्पेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड इन, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था इंडिया में? 1972-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स स्टार्टेड इन द ईयर, आंसर इज 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड दैट एक्यूमुलेट्स इन प्लांट एज अ रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस इज, ऐसा अमीनो एसिड्स जो कि जनरली मॉइस्चर स्ट्रेस के टाइम प्लांट में एक्यूमुलेट हो जाता है, दैट इज प्रोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल प्लांट हार्मोन, वोलेटाइल प्लांट हार्मोन कौन सा है? इथाइलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टेक क्रॉप रोटेशन ऑफ ग्राउंड नट वीट शुगर केन इन 2 ईयर्स देन द क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज, यहाँ पर 3 क्रॉप हम ले रहे हैं, कितने साल में? 2 साल में, तो 3 divided by 2 into 100, दैट इज 150%।
Growing two or more crops annually from same piece of land in such a way that one crop is sown immediately after the harvesting of before crop is known as. तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग, मतलब फर्स्ट क्रॉप के हार्वेस्टिंग करने से पहले ही हम सेकेंड क्रॉप की सोइंग कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट वेराइटी ऑफ मेज। कंपोजिट वेराइटी कौन सी है मेज की, विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेलेबिलिटी ऑफ फिल इन द बैंक इज मच लेस टू प्लांट ड्यू टू फ्लडिंग। फ्लडिंग के कारण किसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन सेल। ईटीएस सिस्टम का साइट क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मध्य प्रदेश द टोटल एरिया अंडर शेड नेट हाउस एंड पॉली हाउस आर। मध्य प्रदेश में टोटल एरिया जो कि शेड या नेट हाउस में यूज किया जाता है जहां जहां पर, द आंसर इज अबाउट 300 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनिट्रिफिकेशन इन नाइट्रोजन साइकिल। डीनिट्रिफिकेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बैसिलस एंड स्यूडोमोनास। तो यहाँ पे ऑप्शन में बैसिलस है, इसलिए हम बैसिलस को टिक करेंगे। नेक्स्ट इज द टूल दैट कैन हैंडल स्टबल बर्निंग एफिशिएंटली इज। बेलर एक टाइप का फार्म मशीनरी है जो कि स्टबल्स होते हैं उसको बेल बनाने में या फिर कंप्रेस करने में हेल्प करते हैं, बाइंड करने में स्ट्रॉ को, है ना, फील्ड में जो स्ट्रॉ होते हैं उनको। नेक्स्ट इज विच फैसिलिटी हैज बीन क्रिएटेड फॉर रीफाइनेंस असिस्टेंस फॉर स्मॉल इरीगेशन। IRDP Dairy Development and Mechanization of Farms at National Level. The correct answer is Rural Infrastructure Development Fund RIDF. ये mainly किस लिए बनाया गया, इसका main aim क्या है, provide loan करता है state government को ताकि जो भी आपका rural infrastructure है उसको development कर सके, मतलब विलेजेस में जो स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट चलता है या डेयरी डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट चलता है उसमें ध्यान दे सके स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको ये फंड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू क्रॉप्स आर ग्रोन एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर लैंड बट दोज क्रॉप हैव डिफरेंट ग्रोथ हैबिट्स एंड जीरो कॉम्पिटिशन इज नोन एज। अगर कोई भी दो क्रॉप हम ग्रो किया दोनों के बीच जीरो कॉम्पिटिशन है, देन इट इज कॉल्ड एज पैरेलल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इरीगेशन मेथड इज यूज टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम स्प्रिंग फ्रीज। फ्रॉस्ट से बचाने के लिए या फिर फ्रीज से बचाने के लिए जो इरीगेशन मेथड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्प्रिंकलर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1943 बंगाल फेमाइन वॉज कॉज्ड बाई। बंगाल फेमाइन किसके कारण से आया था 1943 में, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमिंथोस्पोरिया ओराइजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ISFR 2019 फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज फिल इन द ब्लैंक परसेंट ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के मुताबिक मतलब कितना परसेंट एरिया इंडिया में फॉरेस्ट ट्रीज के अंडर आता है, द आंसर इज 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिल इन द ब्लैंक कंट्रोल मेजर अ प्रेडेटर इज यूज टू कंट्रोल पेस्ट। मतलब प्रीडेटर का यूज किया जाता है पेस्ट कंट्रोल के लिए, द आंसर इज बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वैरायटी डेवलप्ड बाय मिक्सिंग द सीड ऑफ वेरियस फिनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइंस पोजेसिंग सिमिलैरिटीज फॉर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड, द आंसर इज कंपोजिट वेराइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेपर एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन रिटन बाय हुम was first published in the year 1866 में पब्लिश किया गया था ये पेपर, किसने लिखा है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ग्रीगर मेंडल ने, फादर ऑफ जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द खरीफ क्रॉप आर सोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक इज नॉट अ ट्रैक्टर ड्रॉन टिलेज इम्प्लीमेंट। ट्रैक्टर ड्रॉन टिलेज इम्प्लीमेंट कौन सा नहीं है, कंट्री प्लाउ। कंट्री प्लाउ क्या है, जो नॉर्मली हल यूज करते हैं हम बुलक में लगा के, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्री प्लाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेन इज सेट टू बी पुअर मैंस फूड। पुअर मैंस फूड कौन से ग्रेन को बोलते हैं सीरियल्स में, द आंसर इज रागी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। स्टे हेल्दी एंड सेफ।